नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली पंचायत में डिबकेश्वर महादेव स्पोर्ट्स क्लब द्वारा लोहड़ी पर्व पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत संयोजक बजरंग दल सभ्य लोहटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डिबकेश्वर महादेव स्पोर्ट्स क्लब प्रधान सौरभ पठानिया उर्फ जानू व क्लब के सदस्यों ने मुख्य अतिथि सभ्य लोहटिया का स्वागत किया। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य बच्चों युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाना और युवा आज जिस तरह नशे के माहौल बढ़ रहा है उससे दूर रखना है। इस टूर्नामेंट में जिला कांगड़ा व पंजाब से 17 से 18 टीमें भाग ले रही हैं। प्रथम द्वितीय के साथ साथ सभी बेहतरीन खिलाड़ियों को क्लब की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। डिबकेश्वर महादेव स्पोर्ट्स क्लब समाज कल्याण, बच्चों युवाओं में खेलों की ओर रुचि बढ़ने तथा समाज में फैल रही को दूर करने जैसी कई कार्य करने में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रांत संयोजक बजरंग दल सभ्य लोहटिया ने कहा कि डिबकेश्वर महादेव स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आने का मौका मिला है। यह सब क्लब के सदस्य बधाई के पात्र हैं जिन्होंने यह टूर्नामेंट करवाया है। इस क्लब का शुरू से ही रहा है कि युवाओं को खेलों की तरफ प्रेरित करें और युवाओं को नशे से दूर रखें। इस क्लब का हमेशा प्रयास रहा है कि युवा नशे से दूर रहें और समाज में यह संदेश पहुंचा। मैं इनको बधाई देता हूं और भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम समाज के लिए करते रहें इस बात की कामना करता हूं। डिबकेश्वर महादेव स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा आना रहा है। ये सब क्लब के सदस्य बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने आज यहां पे एक क्रिकेट मैच का जो है वो आयोजन किया है। इस क्लब का शुरू से ये रहा है कि युवाओं में खेलों के प्रति प्रेरणा और युवा किस प्रकार से नशे से दूर रह सकते हैं ऐसा ये समाज में अपनी तरफ से करने का प्रयास रहते हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और ये भविष्य में भी ऐसे काम लगातार करते रहें, तो ऐसा मेरे से मेरा इनके साथ विनम्र आग्रह है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।